भिलाई मैत्री गार्डन चौक के विद्युत पोल में लगे मीटर किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। यहाँ के रहवासियों ने शिकायत करते हुए कहा कि शायद विद्युत विभाग को किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, जहां मैत्री गार्डन चौक के विद्युत पोल में जमीन से महज 5 फीट की दूरी पर अस्थायी रूप से मीटर लगा दिए गए हैं। यहां लगे विद्युत मीटर मवेशिया व छोटे बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं। यहां के रहवासियों का कहना है कि करीब साल भर से बांस की लकड़ी पर ही मीटर लगा दिए गए हैं, जिन्हें देखकर भी विद्युत विभाग के जिम्मेदार लोग अनदेखी कर रहे हैं। इंडियन न्यूज ने जब इस संबंध में आसपास के लोगों से जानना चाहा तो उन लोगों ने यहां किसी बड़े हादसे की आशंका जताई। बिजली के तार करीब आज से नहीं है, करीब करीब 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से इसे नीचे में। अभी पानी बरसात के मौसम है और इसमें अगर जानवर इंसान अगर कोई चिपक के अगर कुछ हो गए, अनहोनी हो गई, उसका जवाब दो तो नहीं। ये सब विद्युत मंडल एक ध्यान देना चाहिए और एक कोई ध्यान नहीं दे और जानकारी भी दे सकते तो ये तो नीचे में हावे हो तो पूरा बड़े बड़े अधिकारी मन भी आते ही वो मना देखा तो कि नीचे में तार बिजली खंभा में है तो ऊपर में कम से कम 10 फीट ऊपर होना चाहिए। ये पूरा हो तो जमीन में तब अच्छे टच है, जब सबके मीटर ला ऐसे लगा दे कि वो ऐसे देख लेनी, तो कम से कम जो 7 मीटर लगे वो कम से कम ऊपर में रहना चाहिए, 10 मीटर ऊपर ही रहे, 10 फीट तो वो जमीन पे है। अगर एक कर जवाबदार विद्युत मंडल ही रही ठीक है ना। नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे दुकान सामने में लगा हुआ है तो बिजली विभाग से भी ऊपर कर रही इसको या फिर और कुछ कर रही है, तो टेम्परेरी लाइन है, कोई परमानेंट नहीं है। कम से कम खत्म हो रहा है ना, बच्चे अच्छे भी आते रहे तो सामान वामान लेने के लिए, और फिर जैसे पानी वानी गिरता तो रिस्क रहता है। हम लोग भी आते हैं तो हम दूर दूर हम लोग गाड़ी है लेकिन बच्चे लोग को नहीं करता है। बिजली विभाग को चाहिए आप सरकार को भी चार्ज जो लगता हुआ है कि कभी भी मतलब किसी भी परिस्थिति में बरसात के मौसम में पानी गिरेगा, कोई जानवर जाएगा, कोई बच्चा बच्चा आएगा दुकानों में, किसी का हाथ लग गया तो उसके साथ आशा हो जाएगा, उसके बाद फिर सबके साथ परेशानी है। इसको जहाँ तक है कि सुरक्षित करे, थोड़ा ऊंचा करे। लापरवाही है जो ऐसा मंजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आए दिन बच्चे लोग दुकान के आसपास घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, किसी का हाथ लग गया, पानी बरसात का मौसम है, करेंट पानी नीचे तक फैला रहता है, कुछ नुकसान हो सकता है शरीर को, और इसका सुधार होना चाहिए। और बहुत बार इसका समाचार में भी आ चुका है लेकिन इसका सुधार अभी तक नहीं हुआ। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर लगा दें जो मीटर जो लगा हुआ है, और या तो कुछ थोड़ा कम कर दें तो लोड कम हो जाएगा। आए दिन क्या होता है, आठ दिन नीचे रहता है, आग लग जाता है, थोड़ा चिंगारी फेंकता है। मैं तो बाजू की दुकान वाला हूँ, आज दिन ऐसा डर जाते हैं तो क्या होता है, दुकान बंद करके इधर उधर जाना पड़ता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।